हेलो फ्रेंड, मैं हूं विशाल आनंद, जो कि सोलर एनर्जी पे आपको वीडियो बना के दिखाता हूं। और आज हम लोग देखेंगे कि सोलर प्लेट में ब्लॉकिंग डायोड का यूज कहां पे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग समझ लें कि ब्लॉकिंग डायोड होता क्या है। होता क्या है कि बैटरी जो होता है आपका चार्ज तब होता है जब हम उससे हायर वोल्टेज का उसमें हम कुछ सोर्स लगा के उसको चार्ज करते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि 12 वोल्ट की बैटरी कभी 12 वोल्ट से चार्ज नहीं होती। पोटेंशियल का हाई होना ज़्यादा ज़रूरी है करंट फ्लो के लिए। तो 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं सोलर प्लेट, वो 17 वोल्ट का होता है, 17 से लेकर लगभग 21 वोल्ट के बीच का होता है आपका। तो होता क्या है कि आप दिन के टाइम में जब चार्ज करते हैं तो आपका मॉड्यूल का पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल की तुलना में हमेशा हाई रहता है, तो आपका करंट का फ्लो मॉड्यूल से बैटरी की तरफ होने लगता है। लेकिन जब रात का टाइम आता है तो रात में क्या होता है कि आपका सोलर पे सनलाइट पड़ता नहीं है, तो उस टाइम उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है और आपके बैटरी का पोटेंशियल सोलर प्लेट की तुलना में ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या जानते हैं कि करंट का फ्लो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो यहाँ पे हमको ब्लॉकिंग डायोड का लगाना का जरूरी पड़ गया, क्योंकि रात में क्या होगा कि बैटरी से आपका करंट मॉड्यूल की तरफ जाने लगेगा और मॉड्यूल रात के टाइम में हीट होके आपका डैमेज हो सकता है। वो एज ए लोड की तरह काम करने लगेगा और रेजिस्टिव लोड की तरह, जिससे वो रात में हीट होगा और आपका मॉड्यूल कुछ समय के बाद आपका खराब हो सकता है। तो रिवर्स फ्लो ऑफ करंट को रोकने के लिए हम ब्लॉकिंग डायोड का यूज करते हैं। ये जनरली आपका चार्ज कंट्रोल में पहले से इंस्टॉल्ड आता है, लेकिन अगर हम बाहर से देखना चाहें उसका प्रैक्टिकल बिना चार्ज कंट्रोलर का, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ब्लॉकिंग डायोड को देख लें। ब्लॉकिंग डायोड आपका ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये आपका ब्लॉकिंग डायोड है। इसमें आपका रेटिंग लिखा होता है कि कितने एम्पियर का, कितने एम्पियर तक ये आपका काम करेगा। ठीक है फ्रेंड, ये आपका ब्लॉकिंग डायोड है। अभी हम आपका आपको इसका हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। इसमें एक चीज़ आप ये देखिए कि एक रिंग आपका एक साइड लगा होता है, सिल्वर कलर का रिंग, ये हमेशा आपका नेगेटिव साइड होता है और इस साइड जो होता है ये आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है फ्रेंड, जो रिंग होता है सिल्वर कलर का वो हमेशा नेगेटिव होता है, तो इस साइड को हमेशा पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो हमको इस साइड पॉजिटिव मिलता है। ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करता है। फॉरवर्ड करने का मतलब ये होता है इसका पॉजिटिव सेक्शन में हमको पॉजिटिव सप्लाई ही देना पड़ेगा, या तो आप नेगेटिव में नेगेटिव दीजिए तो आपको इस साइड नेगेटिव आउटपुट मिलेगा। ये उल्टा डायरेक्शन में करंट का फ्लो होना ही नहीं देता है। तो इस चीज़ का अभी हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे। पहले ये हम लोग देखेंगे कि उल्टा डायरेक्शन में ये प्रैक्टिकली सही में कैसे रोक देता है। ठीक है फ्रेंड, तब हम इसको देखेंगे कि बैटरी और मॉड्यूल के साथ इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे प्रैक्टिकल साइड पे, जहाँ पे मेरा छोटा सा सेटअप इंस्टॉल्ड है, और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ब्लॉकिंग डायोड का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, और ये हमेशा आपका सीरीज में ही यूज होता है, मॉड्यूल और जब बैटरी के सीरीज में हमेशा इसका हम यूज़ करते हैं। फ्रेंड, अब हम लोग प्रैक्टिकल साइड पे पहुँच चुके हैं और देखते हैं कि ब्लॉकिंग डायोड का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ब्लॉकिंग डायोड ये है जो कि मेरे हाथों में है, इसको हम लोगों को देखेंगे इसका प्रैक्टिकल। ठीक है, इसमें आपको मैंने बताया कि इसमें जो रिंग वाला साइड होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, पहले प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। ये मेरा सोलर मॉड्यूल का वायर है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें बताया मैंने कि रिंग वाला नेगेटिव होता है और ये इस साइड वाला पॉजिटिव होता है। अगर हमको पॉजिटिव वायर में कनेक्ट करना है तो इसका कनेक्शन हम ऐसे करेंगे, पॉजिटिव में कनेक्ट करना है तो यहाँ पर रिंग साइड जो है नेगेटिव है, लेकिन हमको यहाँ मिलेगा पॉजिटिव, जिसका कनेक्शन हम करेंगे वही हमको उसके अपोजिट साइड मिलता है। ये मैंने पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे लोड लगाएंगे, ये छोटा सा डीसी फैन, इसमें क्या किया, इस साइड हम मैंने पॉजिटिव लगा दिया और इस साइड मैंने नेगेटिव लगा दिया। ये देखिए,
ये फैन चलने लगा, ठीक है फ्रेंड, ये सीधा सीधा लगा हुआ है, लेकिन जैसे हम इसको उल्टा कर देंगे यहीं पे, तो ये मेरा पंखा देखिएगा आपका नहीं चल पाएगा डीसी फैन में। अभी क्या करेंगे, सेम यहाँ पे हम इसके कनेक्शन को उल्टा कर देते हैं, अभी पॉजिटिव में लगाए थे इसी को हम हटा के निगेटिव में लगा देंगे इसको। पॉजिटिव को मैंने निगेटिव में लगा दिया, अब यहाँ से मैं पॉजिटिव कनेक्शन लूँगा, देखिएगा ये आपका रन नहीं करेगा। इसके निगेटिव को पहले मैं निगेटिव में जोड़ लेता हूँ, इसका वायर थोड़ा छोटा है। अब देखिए ये पंखा, और इसको देखिए पॉजिटिव में आपको जोड़ के दिखाऊंगा, ये काम नहीं कर रहा है, देख रहे थे ना, ये नहीं चल रहा क्योंकि ये आपका उल्टा डायरेक्शन हो गया। तो इसी तरह से ये क्या होता है कि जब हम बैटरी के साथ इसका कनेक्शन करते हैं उल्टा, तो ये रात के टाइम में बैटरी से मॉड्यूल में करंट जाने से रोकता है, ठीक है। अब एक बार फिर आपको यहाँ पे मैं सीधा करके दिखाऊंगा इसको, ये देखिए मैंने इसको खोल दिया और यहाँ जस्ट इसको सीधा किया, तो ये आपका देखिए फैन चलने लगेगा, ठीक है फैन। तो यहाँ पे कनेक्शन इसका कैसे करेंगे, 12 वोल्ट के बैटरी को चार्ज करने के लिए हमको तो 14.5 वोल्ट चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं कि स्टेप डाउन सर्किट लगा के स्टेप डाउन कर लेंगे, उसके बाद जस्ट इसके उल्टा डायरेक्शन में लगाएंगे। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, इसके पॉजिटिव को हम इसके पॉजिटिव में लगा दिए, ये मेरा 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए 12 वोल्ट का बैटरी है, इसमें लिखा हुआ है इसके स्पेसिफिकेशन में 12 वोल्ट 1.3 है इसका, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि डायोड के साथ कैसे लगाते हैं, ठीक है। अभी बिना चार्ज कंट्रोलर का दिखा रहे हैं, ऐसे ये चार्ज कंट्रोलर में इनबिल्ट आता है, लेकिन सिर्फ हम प्रैक्टिकल पर्पज के लिए आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें पॉजिटिव का सोलर मॉड्यूल से जो पॉजिटिव आया वो हम इसके पॉजिटिव में लगा दिए डायोड के पॉजिटिव, और इस साइड से जो पॉजिटिव निकलेगा ये मेरा ग्रीन वाला पॉजिटिव है बैटरी के कनेक्शन के अनुसार। तो यहाँ इसके निगेटिव वाले में हम मैंने पॉजिटिव लगाया और यहाँ पे मैंने निगेटिव लगा दिया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि आपका करंट का फ्लो होने लगा मॉड्यूल से बैटरी की तरफ, ठीक है फ्रेंड। यानी यहाँ पे ये सिर्फ एक डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, तो इसको हम अभी चेक कर सकते हैं। यहाँ से तो ऐसे लगा दिया मैंने, ठीक है, तो अभी इधर से ये करंट इसमें जा रहा होगा, तो इसको हम प्रैक्टिकल चेक करने के लिए इसे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ आप वोल्टेज अगर चेक करेंगे, अभी बैटरी का कनेक्शन मैं हटा दिया, तो यहाँ देखिए ये मॉड्यूल का वोल्टेज आपको जनरेट दिखा रहा है, ये मॉड्यूल का वोल्टेज 18.9 लगभग 19 वोल्ट के आसपास, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं इसके निगेटिव में इसके पॉजिटिव को, और सिर्फ बैटरी का देख रहे हैं कि अगर उधर करंट वोल्टेज में आप अपोजिट में पास हो रहा है कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए जस्ट इसको उल्टा हम लगाएंगे, ठीक है। ये मैं बैटरी में डायोड लगा दिया, और इस साइड से देखिए हम चेक कर रहे हैं, तो रिवर्स में ये आपको कुछ भी नहीं दे रहा, यानी ये मॉड्यूल को कुछ भी वापस नहीं कर रहा है। तो इस तरह से क्या है, मेरा बैटरी पूरी तरह से सेफ, ठीक है फ्रेंड। लेकिन आप इसको बिना चार्ज कंट्रोल का यूज नहीं करें, सिर्फ हम ये दिखा रहे हैं कि ब्लॉकिंग डायोड का यूज कैसे होता है सोलर मॉड्यूल और बैटरी के बीच, ठीक है फ्रेंड। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जाके इसके बारे में आप कुछ भी हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।